कैसे हैं आप लोग। और आज मैं अक्षरा सिंह जी को दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए अभी अपने बाल को स्ट्रेट करवा रही हैं। कैसे हैं अक्षरा दी? मैं अच्छी हूँ। नमस्ते, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या कुछ शो चल रहा है क्या? बाल के एकदम तैयारी चल, शो नहीं चल रहा है, शूटिंग चल रही है। अच्छा शूटिंग चल रहा है। जान लेबू का, ओ क्या बात है, टाइटल और बहुत प्यारा है, जान लेबू का। बहुत खूबसूरत है। तो कोई टारगेट में कभी है? किसी आइल पाड़ा जाले बका हो, बोल हमर सुगना पराले बका हो। बहुत प्यारा सॉन्ग है। और बता दीजिए कोई लिस्ट में है जिसका जान लेना चाहती हैं? लिस्ट में दिनेश जी हैं। दिनेश मतलब जी कि का इस जान फिल्म के लेनी हीरो चाहिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं यस और हीरोइन हमारी अक्षरा सिंह जी हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर हम लोग किसी पैलेस में हैं। और ये महारानी देख देखी जी, शिवगढ़ पैलेस, शिवगढ़ पैलेस है। शिवगढ़ पैलेस है। और मैं अभी फिलहाल रेडी हो रही हूँ अपने सॉन्ग के लिए। बहुत ही अच्छा गाना है, लेकिन जिस तरीके का आउटफिट है उसके जस्ट ऑपोजिट वेदर है। अच्छा तो आप सोच लीजिए कि कितना एक्सट्रीम फ्रीजिंग कोल्ड में हम लोग शूट करेंगे, कैसे इमोशन आएगा, कैसे वो दर्शक जब गाने देखते हैं तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी देखिए, लेकिन बहुत हाँ, अच्छा, बहुत ऐसा फास्ट होता है जज करना। ये अच्छा है, नहीं ये घटिया है यार, हटाओ, नहीं देखना। लेकिन जब इतना ठंडी में आप गाना शूट करें तो आप लोग कितना प्रॉब्लम होता होगा? हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप लोग आके कर लेंगे उसका 1% भी, तो आप मुझे कहना, बहुत मेहनत करते हैं। फ्रीजिंग कोल्ड में भी एकदम वैसा शर्माना और ये देना पड़ता है, अंदर से पता चलता है जल्दी खत्म हुआ, ऐसा तो होता क्या है। शूटिंग की जहाँ चलता है वहाँ आग वगैरह भी जले होते हैं ठंडी से निपटने के लिए? आग, ब्लोअर, अच्छा यहाँ पे देखो मेरा ब्लोअर है छोटा सा, अच्छा सब व्यवस्था करके चलती सब हैं। व्यवस्था करके, नहीं तो मर ही जाएंगे। हाँ हाँ अच्छा, इस फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं जो निरहुआ रिक्शा वाला बनाए थे, दिनेश जी का सुपरहिट फिल्म है। जी, क्या उनके कुछ साथ मैंने पहली फिल्म की थी, जान प्राण जान जाए पर बचा बचा ना, ना जाए, चलिए लास्ट टाइम उन्होंने प्राण लिया था, इस बार जान लेने जान वाले। ले रहे हैं। नाम भी एकदम प्राण जान तो है। कैसा दूसरी शूटिंग में कैसा मेल मिलाप है दोनों का? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत एकदम फ्रेंडली रहते हैं सारे एक्टर्स से, और सेट पे बहुत एंजॉय करते हुए काम करते हैं। थोड़ा भी प्रेशर लेके मैंने काम करते उनको नहीं देखा। साल 2021 की ये पहली फिल्म है? 2021 की ये पहली फिल्म है, अच्छा, तो सवाल 2021 और कितनी फिल्में भी करने का प्लान है? और अभी बैक टू बैक मेरे ख्याल से 3 फिल्में अभी लगातार चलेंगी, और भी बहुत सारे लाइंड अप हैं प्रोजेक्ट्स। और पहली रिलीज कौन हो सकती है आपकी फिल्म? पहली रिलीज ये पहली कर रही हूँ तो शायद यही हो जाएगी। नहीं, लास्ट ईयर 20 में भी काफी फिल्में बन के तैयार हैं। जी, पहली रिलीज होगी डोली, डोली। डोली, दूसरी दूसरी होगी शुभ घड़ी आयो, या मे भी हो सकता है शुभ घड़ी आयो पहले हो जाए, अच्छा वो डिपेंड करता है। अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ। हाँ, कल्लू जी के साथ। तो क्या दिनेश जी के बारे में कुछ खास बातें बताएं जो? दिनेश जी के बारे में क्या ही कहूँ, दिनेश जी इज माई फेवरेट, और आज से नहीं सालों से, और मुझे लगता है हर हीरोइन ही उनकी तारीफ करती होगी। मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज उनका विजन काम के प्रति बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लियर है, और बहुत डेडिकेटेड हैं वो अपने काम के प्रति। और सेट पे बहुत ही, एज अ को एक्टर ही इज वेरी नाइस, वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और सबका रिस्पेक्ट करना, कहीं से ऐसा लगता ही नहीं है कि इज जुबली स्टार हैं। और इन्होंने बड़ी बड़ी कितनी सारी हिट फिल्में दी हैं भाई, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। और उसके बाद भी इतना हम्बल होना, इतना जेन्युइन होना, ये कमेंडेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं ना एक कहावत कि जो फल से लदा होता है ऑब्वियसली वो झुका होता है, तो ये दिनेश जी में मैंने देखा है, सिर्फ दिनेश जी में देखा है। ही इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी जेंटल,
और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, और एक अरसे बाद हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे तो और ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो बहुत फ्रेंडली सा माहौल है, काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। सेट पे हम लोग किस तरीके से इम्प्रोवाइज करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, तो समय निकल रहा है बहुत अच्छे से और पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं। फिल्म में अक्षरा जी आपके साथ दिनेश जी और कौन कौन से कलाकार हैं? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, कॉमेडी मनोज टाइगर जी हैं, एक्शन और एक्शन विलन है, अभी वो आ रहे हैं, अभी आए नहीं, दीपक भाटिया जी और भी बहुत सारे कलाकार हैं। हमारी सेकंड हीरोइन है और मेरे बहन की भूमिका में जो है जोया, और मेरी माँ की भूमिका में मेरी सासू माँ, तो बहुत सारे कैरेक्टर, पूरा फैमिलियर पूरा मूवी, बहुत फैमिलियर मतलब सब्जेक्ट है और फैमिली से भरी हुई है पूरी कहानी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर श्री श्रीवास्तव जी, ही इज ऑल्सो अमेजिंग, मतलब एक तरीके से ये पूरा यूनिट ही बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और पता नहीं लग रहा है कि हम लोग फिल्म करने आए हैं। श्रेय जी के बारे में क्या बोलूं, ही इज अ जेंटलमैन, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा थॉट है उनका फिल्म को लेके, और मैं बताना चाहती हूँ ये फिल्म भी लिखा उन्होंने ही है, तो कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं हम लोगों को और बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं।